तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए इस वक्त के जो है सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है आप सभी के लिए जो है निकल के आ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए। जी हाँ, किसानों का जो है बैंकों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होने वाला है। जी हाँ, जितने भी जो किसान रहते हैं, जितने भी जो किसान हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी फेस करते हैं कि यार हमारा बैंक का बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, बैंक का बहुत ज्यादा लोन हो गया है, किस तरह से हम जो है अपने बैंकों का कर्जा छूट पाएंगे, किस तरह से हम जो है सभी चीजों को ठीक कर पाएंगे, किस तरह से हम जो है सभी चीजों को मैनेज कर पाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह से दिक्कत और का सामना आपको बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा। आप सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीजें, वो हर एक घोषणा पत्र, वो हर एक मैनिफेस्टो आप सभी के लिए जरूरी होते हैं, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो किसानों का, बैंकों का जो है 1 लाख रुपए तक का आपका जो है कर्जा माफ होने वाला है, और आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी होने वाला है। और बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ के सभी किसानों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के जितने भी जो प्रॉब्लम्स वाले दिन थे ना, जो परेशानी वाले दिन थे, वो सभी प्रॉब्लम्स, वो सभी परेशानी वाले दिन अब आप लोगों के खत्म होने वाला है, अब आप लोगों के अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, अब आप सभी के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, और जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीजें, वो हर एक घोषणा पत्र आप सभी के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो हर एक चीजें आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। धान खरीदी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से आपको जो है धान का पैसा जो है देखने को मिल पाएगा। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोगों से जो बीजेपी ने वादे किए थे, जो मोदी की गारंटी थी कि जब छत्तीसगढ़ में हमारी गवर्नमेंट आएगी, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो आप सभी से जो जो वादे हमने किए थे, चाहे वो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने के हो या 3100 रुपये जो है एक मुश्त जो है धान का भुगतान की बात हो, उन सभी को जो है डेफिनेटली जो है बखूबी बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। और प्रति क्विंटल अब जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसान जो है अपना 21 क्विंटल जो है धान बेच पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए ही जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी अपडेट जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीजें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स वाले दिन थे, अब आप लोगों के जो दिक्कत वाले जो टाइम थे कि यार हमारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा है, वो किस तरह से ठीक हो पाएगा, वो किस तरह से सभी चीजें जो है मैनेज हो पाएगा, इन सभी चीजों के बारे में आप जो सोच रहे थे, अब आप सभी को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, अब आप लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स या परेशानी फेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होने वाली। आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, आप सभी के लिए जो है जितने भी चीजें होती हैं जो निकल के आते हैं, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए हर एक महीने में जो है इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो पाए, हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिल पाए, हम आगे बढ़ पाए, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें। तो उन सभी को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए 1 लाख पोस्ट होने वाला है। तो हमेशा जो है कोशिश करते रहना, हमेशा आपको बेस्ट करना है, बेस्ट प्रिपरेशंस करना है, बेस्ट देना है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, और जितना ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अपना बेस्ट दोगे, वापस से आपको जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में डेफिनेटली जो है रिटर्न में आपको बेस्ट रिजल्ट जो है देखने को मिल पाएगा। तो ज़िंदगी में चीज़ें कभी भी मत सोचने कि यार ये चीज़ें हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे भी या फिर नहीं बढ़ पाएंगे, हम जो है सभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना, कभी भी ये मत सोचना कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है या वो चीज़ इम्पॉसिबल है, हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे सपने को पूरे हो पाएंगे भी या फिर नहीं, हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते,
ये इन सभी चीजों के बारे में सोचना नहीं है। जितना ज्यादा हो सके आपको अपने आप के ऊपर बिलीव करना है, जितना ज्यादा हो सके खुद के ऊपर काम करना, और जितना ज्यादा आप खुद के ऊपर काम करोगे, जितना ज्यादा आप खुद के ऊपर मेहनत करोगे, खुद के ऊपर आप भरोसा करोगे, बिलीव करोगे, काम करोगे, उतने ही ज्यादा तुम आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज्यादा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो पाएगा, उतने ही ज्यादा तुम सक्सेस हासिल कर सकते हो, उतने ही ज्यादा आप एक अच्छे खासे जो है अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। आपको मैं ये एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने आप के ऊपर जिस दिन भरोसा हो गया ना, और अपने 100% मेहनत करना सीख लिया, 100% हार्ड वर्क करना सीख लिया ना, मतलब उस दिन आपको फिर कोई नहीं हरा सकता। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की फिर तैयारी करोगे, डेफिनेटली उसमें आपको सफलता मिल पाएगी, डेफिनेटली उसमें आपको कामयाबी जो है देखने को मिल पाएगा। हमेशा जो है कोशिश करते रहना। देखो कोई भी चीज़ हो, एकाएक कामयाबी नहीं मिलती, एकाएक सफलता नहीं मिल पाती। बस उस कामयाबी को पाने के लिए, बस उस सफलता को पाने के लिए हमें कोशिश करना है, हमें एफर्ट लगाना है। और जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे ना, जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेस्ट, उतना ही ज़्यादा आपको एक अच्छा खासा, एक बेहतर बेस्ट रिजल्ट जो है दिन देखने को मिल पाएगा। काफी लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, एक पॉइंट के बाद उन्हें ये चीजें लगने लगता है कि यार अब हम आगे बढ़ पाएंगे भी या फिर नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी जिंदगी बेहतर हो पाएगा या फिर नहीं, हम जो है किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, और हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा भी या फिर नहीं हो पाएगा। हजारों लाखों के कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी का हो पाएगा, हमारा कहाँ से हो पाएगा? उन सभी को बीट करके हम जो है आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे, उन सभी से हम आगे कहाँ से निकल पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है सोचते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आपका कंपटीशन जो है ना किसी और से है ही नहीं। आप जो अपना कॉम्पिटिशन किसी और को मानते हो ना कि यार ये तो मेरा कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन आप खुद हो। जिस दिन आपने खुद को अपना कॉम्पिटिटर मानना शुरू कर दिया ना, देन उस दिन आपको फिर कोई नहीं हरा सकता। तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में जो भी कैपेबिलिटी है ना, आप में जो भी काबिलियत है, वो शायद किसी और में है ही नहीं। तो अपने आप को कम क्यों समझते हो? आप जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो, जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को कमजोर समझने की बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। हर एक रोज जो है कोशिश करना है, हर एक रोज जो है प्रिपरेशंस करना है। जितना ज्यादा प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज्यादा दिन आगे आप बढ़ पाओगे, उतने ही ज्यादा आपको सक्सेस फिर मिल पाएगा, आई होप। और बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए हर एक सपने पूरे किए जाएंगे। किसानों का कर्जा 1 लाख रुपए तक कभी माफ होगा। सो प्लीज, अगर वीडियोस अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, वीडियोस अगर आप सभी को पसंद आया हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना, एंड देन वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।